पट्टी कमर में दर्द पूरा हो गया, मरहम पट्टी के लिए किस रुपया दिए है? एक हो गया। करे एक सराख ले ली मांगे छी ककरो से पैसा। रुक आइए शायरी, आइए शायरी। उनका कहना है कि लगा दिया आग पानी में जवानी इसे कहते हैं। 16 साल के उम्र में की कर लगे भैया देखी ला। लगा दिया आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, लुटा दिया दौलत अपने बूढ़े पति वाला फुटंगी इसे कहते हैं। हेलो जी, ए महारानी जी। हाँ मंत्री जी। महाराज महाराज तोरा हड्डी तोड़बे था। हड्डी एको हड्डी टूट लाऊ ना पूरा करेक हो गया। अरे तो तुझे उतना ऊपर जाने की क्या जरूरत था स्वामी जी? अवतरा वोल्टी करवल पर था। मैं फूल तोड़ने ही वाली थी, अब फूल ने मुझे उठा के जमीन पर फेंक दिया और फूल ऊपर चला गया। तुझे नीचे गिरा करके ऊपर चला गया? हाँ स्वामी जी, मैं तो कहती हूँ आपको, आप मेरी बात मान लीजिए, यहाँ से महल चलिए, मैं आपको कल भागलपुर से इससे भी अच्छी अच्छी फूल ला के दूंगी। चलिए महारानी जी। हाँ। आप भागलपुर की बात कर रहे हैं तो अब ये हम खेबो नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ से जाएंगे नवसिया। अच्छा, टिकट कटाएंगे। हाँ। डायरेक्ट हम दिल्ली में उतरेंगे। हाँ। जैसे हम वहाँ उतरेंगे, हाँ, वहाँ से ट्रेन का ट्रेन हम फूल भेजेंगे। ट्रेन के ट्रेन महल में पूरा सजा देंगे। इससे भी बढ़िया बढ़िया द्वार सब दिल्ली से फूल भेजेगा। ट्रेन का ट्रेन फूल भेजेंगे। आइए इस गुलदस्ता को खरीदने के लिए महारानी जी को उपहार 11 रुपए भेजे। छोटी सी बच्ची सपना कुमारी पकरिया निवासी है, उस बच्ची ने भी शायरी कहने के लिए बोले हैं। हाँ, एक प्यारा सा खत लिखते हैं कि मिट्टी की सुराही मैं कंकर से फोड़ दूंगा, मिट्टी की सुराही मैं कंकर से फोड़ दूंगी, आज इन्होंने इस फूल को ठुकराया सौतेली माँ को मैं इसी जंगल में छोड़ दूंगी। स्वामी जी महारानी मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे और मैं इस फूल के चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ, अगर आपको मरना है इस फूल के चक्कर में तो आप मरिए जंगल में, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ महारानी। हे महाराज, हे भगवान, हे देख लो सती का। आइए बरलम कुमार जी है, बरलम कुमार घर तीन टेंगा निवासी। महारानी चली गई गुलदस्ता खरीदने के लिए 21 रुपया भेजे। हमारी कंपनी स्वागत बंधन करती है, कहते हैं यहाँ जब तुम्हारी आती है तो दिल को थाम लेता हूँ, यहाँ जब तुम्हारी आती है तो दिल को थाम लेता हूँ, आंसू टपक जाती है जब मैं सुंदर वन फूल का नाम लेता हूँ। ये फूल महारानी भी तोड़ नहीं पाई, बिल्कुल नहीं तोड़ पाए और मुझे छोड़ करके वो घर चली। लेकिन महाराज इस बात को हम सोचेंगे जरा गौर से। क्या सोच रहा है? सोचेंगे कैसे कैसे मंत्री बेटा। हाँ। बेटे लागवा। हाँ। बेटे लागवा। हाँ। मंत्री बेटा। हाँ। चल कपार पे हाथ रख, कपार पे हाथ रख। आज सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मंत्री बेटा। हाँ। चल बैठ। बैठ गया काहे के लिए बैठ गए? सोचेंगे ना, बैठ के सोचेगा। सोचो जल्दी सोचो मंत्री बेटा। हाँ। जरा दिलो दिमाग से सोच। सोच ये फूल नहीं तो महाराज से टूटा, नहीं टूटा महाराज से, नहीं तो ये फूल महारानी से टूटा, नहीं टूटा महारानी से, ना ये फूल हमसे टूटा, ना ये फूल बिजली तोड़ पाया, ये फूल किससे टूटेंगे, ये फूल किससे टूटेगा? मंत्री बेटा ठंडी उठ उठो मंत्री बेटा। हाँ। चल कपार पे हाथ रख, हाथ कपार पे रख, दिल दिमाग से सोच, दिमाग और दिल से सोच, ये फूल नहीं तो महाराज से टूटा, ना ये फूल महाराज से टूटा, नहीं तो महारानी जी से टूटे, ना महारानी तोड़ पाई, ना ये फूल हमसे टूटा, ना बिजली तोड़ सका, आखिर ये फूल को आखिर ये फूल किससे टूटेंगे, ये फूल कैसे टूटेगा? मंत्री बेटा चल बैठ। उठ बैठ करेगा मंत्री बेटा, तुमको झरा फिर पागल मंत्री बेटा। अरे उठ के खड़ा हो जाओ, कपार पे हाथ रख, हाथ रख, दिलो दिमाग से सोच, सोच ये फूल नहीं तो महाराज से टूटा, ना महाराज से टूटा, नहीं महारानी जी से टूटे, ना महारानी तोड़ पाई, नहीं ये फूल हमसे टूटा, ना बिजली तोड़ सका, आखिर ये फूल किससे टूटेंगे, कैसे टूटेगा? मंत्री बेटा क्या हुआ? अब उठ उठ, ये कितना बार उठ बैठ करेगा? सोचा इसलिए
तुम्हारे सोच में नहीं आएगा ये सब बात। आ हमर कोनो एडिया बड़ा काम नहीं करे छौ, तुम्हारा आज कोई दिमाग काम नहीं करेगा। जो जियो वाला टावर छे वो काम नहीं करे छौ। ये आखिर फूल कैसे टूटेगा बिजली? हाँ जरा पता लगाना। आइए सुलो कुमार फूल को सच्चाई जानने के लिए 151 रुपए का पुरस्कार निभा रहे हैं। घर तिनटेगा निवासी है सुलो कुमार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत वंदन करना चाहता हूँ। और कहते हैं कि मिट्टी की सुराही जरा फोड़ कर देखे सज्जनों, इस सुंदर वन और सती कौआ हकनी की कहानी को जरा गौर से देखे सज्जनों। हमारी कंपनी स्वागत वंदन करती है। आज ये फूल मुझे चाहिए, कैसे ये फूल टूटेगा? मैं इस फूल के बिना कहीं नहीं जाऊंगा बिजली। महाराज अगर ये फूल बोलता है, इस फूल में आवाज है, आज हम इसी फूल से पूछेंगे आखिर ये किसके हाथों से टूटेंगे। हाँ बिजली हाँ। और सुंदरवन का फूल अगर अगर ये आवाज है तो बताओ किसके हाथ से तो टूटेगा। सुनो बिजली सुनो, ये फूल आवाज कर रहा है। सब बोले कौआ हकनी के हाथ से यह फूल टूटेगा। बेचारे चिंता होता क्या, तो कई आठ घंटे मर लो। कौआ हकनी मरी नहीं होगी, वो सुंदरबन जंगल में जीवित होगी। जाओ बिजली जाओ, कौआ हकनी को बुला करके ले आओ। अगर इस समय कौवा हकनी को खोजना है आप जाइए कुछ पल फूल के नीचे आराम कीजिए। हम यहाँ से कौवा हकनी खोजने के लिए आ रहे हैं। तुम जाओ जल्दी सुंदरवन जंगल से, क्या ना कौवा हकनी को बुला के जल्दी ले आओ। अभी अभी हम आ रहे हैं और मैं इसी जगह बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। क्या ना महाराज, चल जी जाइए आराम करो। अरे चलो धीरे बो मास्टर साहब, आज हम फिर में फंस गए हैं। बताओ जा कौवा हकनी बेचारे जा कहीं मिल गए या हमरा हाफ पैंट ढिल्ला भ जेतो। तब अच्छा यहां से बोला जावा दियो, जा कहीं कौवा हकनी मिल लो वहीं हम कोनो रास्ता निकाल भो या आ नहीं मिलते तो बगले बगल घूम जेबे या आइ ले छी है। आज दे ना हो चल भाई हो बाप जी।
चलिए फरमाइश आ रहा है कि एक दो गाना कीजिए, उसके बाद पाठ को पूरा करके बंद कर दीजिए। अभी मेरा 10 मिनट का पाठ का कार्यक्रम बाकी बच गया है। आइए माता रानी के तरफ से आ रहे पुरस्कार। भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए तो। हाँ आइए, हमारी कंपनी में शामिल होने वाले सुपर डीलक्स सीनियर संगीत कला पार्टी के माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक बीपो मंडल लवकुश कुमार डरवा निवासी दोनों के तरफ से 11 रुपए का शानदार पुरस्कार है। भैया थोड़ा सा हम जरकिन में ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद जैसे कलच को छोड़ूंगा हटाश डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। आइए 2 मिनट का इंतजार है, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। प्यारा सरे का डांस आरंभ करता हूँ मिस गुड़िया जी एंड नेहा जी के माध्यम से।